आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफी अलग होने वाला है, क्योंकि हमारे पास में है दो कागज जिनका आंसर आप में से कोई भी नहीं दे सकता है। तो देख सकते हैं कि आप हमारे पास में दोनों कागज हैं जिनका आंसर हम आपको पूछेंगे, और हमें पता है कि आप इनका आंसर गलत ही दोगे, ये 100% श्योर है। तो इसके लिए वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, और अगर बेहतरीन आइडिया लगे ना आपको तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम आपके सामने दो कागज रख रहे हैं, एक है ए सॉरी एक है ए और दूसरा है बी। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने दोनों कागज तैयार है, तो हम आपको पूछना चाहेंगे कि इसमें से आपको बड़ा क्या लग रहा है, इसमें से ए बड़ा है या बी बड़ा है। आप वीडियो का टाइटल और फोटो देखकर आप आंसर देने आए ही होंगे, तो इसमें आपको ए बड़ा दिख रहा है या बी बड़ा दिख रहा है, तो हम ही आपसे यही आंसर पूछना चाहते हैं। अभी जाइए कॉमेंट कीजिए, बताइए हमें कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। तो मेरे हिसाब से शायद बी बड़ा आप बोल रहे होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आपको बी बड़ा लग रहा है ना, तो अभी देखिए आप इस वीडियो का चेंजेस। मैंने रख लिया ए को नीचे और बी को ऊपर, अब बताइए कि क्या बड़ा है। अब आपको लग रहा होगा कि ए बड़ा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो में काफ़ी दिलचस्प भरी बात ये है कि गाइस ये दोनों सेम है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये दोनों बिल्कुल एक ही तरीके के कटे हुए कट पीस है, जो कि एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद में आपको ये कन्फ्यूज़न पैदा कर देते हैं और आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। अभी आप देखोगे तो इसमें आपको बी बड़ा लग रहा है, और जैसे ही मैं एक को नीचे कर लेता हूँ तो इसमें आपको क्या आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं एक को नीचे करता हूँ तो इसमें अब ए बड़ा लग रहा है। तो प्लीज़ यार वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसा बेहतरीन सवाल आपको मनोरंजन आया हो इस सवाल में या फिर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अभी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बेहतरीन आइडिया देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।